आज मैं ड्रेसिंग कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू यू ऑल बिकॉज यू गाइज आर माई कॉमेंट सेक्शन की फुल पैंट्स पहन के दिखाओ, फुल पैंट्स पहन के दिखाओ। मैं इस वीडियो में आपको फुल पैंट्स पहन के दिखाने वाली हूँ। हाय बेस्टी, आज की वीडियो में मैं कुछ करने वाली हूँ हटके, क्योंकि मैं अपना स्टाइल बदलने वाली हूँ। यस, मैंने कुछ ऐसे कपड़े खरीदे जिसमें मैंने अपना स्टाइल कम्प्लीटली चेंज कर दिया। वैसे भी आजकल मेरा लव गर्ल एरा, सॉफ्ट गर्ल एरा चल रहा है, तो और जो कि आप लोग मेरे को बहुत पसंद भी कर रहे हो सोशल मीडिया पे, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट आई मेक अ वीडियो जिसमें कुछ नई चीजें ट्राई करूं एंड आई विल शो यू कि कैसा लग रहा है मेरे ऊपर। मैं हमेशा सोचती हूँ कि ये सारी चीजें मेरे पे अच्छी नहीं लगेंगी, बट वीडियो में आपको पता चल जाएगा मेरे पे कैसे लग रहा है। तो लेट्स स्टार्ट फॉर द फर्स्ट आउटफिट विच इज अ 3-पीस सेट एंड लुक एट दिस कलर। पहले तो मैं इस कलर की तारीफ करना चाहूंगी बिकॉज दिस कलर इज आई डोंट नो व्हाई दिस कलर, एक होता है ना कि कलर को अगर टेस्ट दिया जाए तो दिस कलर इज स्वीट, आई डोंट नो हम इसे क्या कहते हैं, ये पिंकिश में है, नो आइडिया कलर का नाम, बट ये मुझे बहुत ही पसंद आया। और ये 3-पीस सेट है, ये कोई बिकनी नहीं है बाय द वे, दिस इज अ होल सेट। इट हैज अ लॉन्ग लेगिंग्स, जैसा कि मैं पहनती नहीं हूं बट इट हैज अ लॉन्ग लेगिंग्स है जिसमें आगे इन्होंने ये पट्टा दे रखा है एंड पीछे इलास्टिक है, सो ये बहुत ही कंफर्टेबल है। और इसके साथ है ये टॉप जो कि मुझे लग रहा था कि मुझे टाइट आएगा बट ये मुझे परफेक्टली फिट आ गया है क्योंकि इसके पीछे भी ये स्ट्रेचेबल वाली चीज है। और ये है इसका ऊपर का श्रग जिसके लिए मैंने इसको खरीदा है। बेसिकली मुझे ये श्रग बहुत ही प्यारा लगा तो मैंने इसीलिए इसके लिए खरीद लिया था। सो प्रिटी है ना, मुझे कलर बहुत ही पसंद आया। ये पूरा जॉर्जेट में बना हुआ है और अब आप रेडी हो मुझे इसमें देखने के लिए? ओ माई गॉड, लुक एट मी, लाइक I can't believe this is me. Okay, first of all, I love it. I love this outfit. I think I should try more like this. तो मैं बहुत खुश हूँ अपने इस आउटफिट से और मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। आप लोग भी देख सकते हो, looks very nice. The color is very good. इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन थे बट मैंने ये कलर चूज किया बिकॉज मुझे कलर पसंद है और मैं चाहती थी कि मैं कुछ हटके करूँ तो कुछ हटके कलर चूज करें। बट दिस 3-पीस सेट, मैंने कभी भी ऐसा कोई 3-पीस सेट नहीं डाला है, मैंने पहली बार डाला है और मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। मुझे नहीं पता था ये सब चीजें मेरे पे इतनी अच्छी लगेंगी, सो आई एम ग्लैड। नेक्स्ट है अगेन अ वेरी अमेजिंग कोऑर्ड। पहले तो मैं इसके कलर की तारीफ करना चाहूंगी, पिंक एंड लुक एट दिस प्रिंट, सो नाइस। और ये पूरा कॉटन में है, आई डोंट नो दिस इज नॉट प्योर कॉटन, ये मिक्स है, मुझे नहीं है ज्यादा कपड़े की नॉलेज, बट बहुत ही लाइट वेट है और बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। ये भी एक प्लाजो के साथ आया है जिसका डिजाइन बहुत ही सुंदर है और इसके साथ ही ऑफ शोल्डर टॉप है जो कि वाह, इसमें बिल्कुल ही चार चांद लगा रहा है। तो मुझे ये दोनों बहुत पसंद आया कोऑर्ड। इसका फिट देखते हैं मेरे पे कैसा लगता है एंड माई गॉड, दिस लुक सो नाइस ऑन मी। मैंने कभी नहीं सोचा था ये पैंट्स वगैरह मेरे पे अच्छी लगेंगे एंड लुक एट दिस, आई जस्ट लव इट, लव इट। मुझे बहुत ही पसंद आया, बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही अच्छे कपड़े में कंफर्टेबल है। मुझे लगता था मैं इन सब चीजों में कंफर्टेबल नहीं होंगी बट मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। और स्पेशली ना मुझे ना सबसे ज्यादा डर इस बात का रहता है कि मेरा स्टमक एरिया ज्यादा ना दिखे, पर इसमें इतना परफेक्टली फिट लग रहा है ना कि मुझे इन सब चीजों की सोचने की जरूरत नहीं। और ये आउटफिट ही इतना सुंदर लगा कि मैं तो हो गई, मतलब आप लोग समझ रहे हो फुल पैंट्स में रो ही रहा है, जिस लोगों के आपके कमेंट्स पढ़ पढ़ के थक गई थी और आप लोगों ने फाइनली मुझे फुल पैंट्स में देख ही लिया। लेट्स चेक अनदर वन। सो दिस इज अ ड्रेस, अगेन आई लव द कलर, लुक एट द कलर, इतना सुंदर कलर कॉम्बिनेशन है। ऊपर से साटन में इसको देख के ही मुझे प्यार हो गया था, मैंने कहा ये तो मैं डेफिनेटली खरीद रही हूँ, मुझे बहुत पसंद आया। और ये मैं इसको एज अ सूट पहनना चाहती हूँ, इसके नीचे या तो मैं प्लाजो डाल के पहनूंगी या फिर लेगिंग्स डाल के, ज्यादा बेटर रहेगा तो लेगिंग्स डाल के पहनूंगी, तो ये बहुत ही सुंदर लुक लगेगा, इसीलिए मैंने इसको मंगाया है थोड़ा सा इंडियन टच देने के लिए। उसका प्रिंट भी बहुत ही सुंदर सा है इसीलिए, और मेरे पास ऐसे प्रिंट का कुछ भी नहीं है तो इसको भी मैं ऐसे ही स्टाइल करने वाली हूँ। बिकॉज लोगों की आदतर जिंदगी में यही है कि वो मुझे फुल कपड़ों में देखना चाहते हैं जो कि वो अब देख चुके हैं। आई होप आप लोगों को मैं अच्छी लग रही हूँ, ठीक है। और इसकी फिटिंग दिखाते हैं, लव द फिटिंग। इसका फ्लोरल इतना बड़ा है, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया, कपड़ा भी पसंद आया, इसकी फिटिंग भी पसंद आई, सब कुछ मुझे बहुत पसंद आया है। आई कांट वेट टू स्टाइल दिस, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ उसको स्टाइल करने के लिए। सो दिस इज लाइक नाउ दिस इज वन ऑफ माई कंफर्टेबल ड्रेस एंड वेरी क्यूट ड्रेस।
सो नेक्स्ट व्हाट आई वांट. लोगों का ना ये भी बड़ा कमेंट आता है, हमें आपको डेनिम में देखना है, आप डेनिम नहीं डालते हो. हमें आपको डेनिम में देखना है, आप डेनिम नहीं डालते हो. मैं डेनिम नहीं डालती हूँ. मेरे क्लॉजेट में आपको डेनिम नहीं मिलेगी. मैं नहीं पहनती हूँ डेनिम, क्योंकि मुझे यार डेनिम नाम सेम, मैंने आपको बताया ना, मुझे लगता है कि डेनिम टाइट होती है बेसिकली. तो आज अगर आप इसको पहनोगे तो आपका ये बल्ज दिखेगा, एंड मैं कॉन्फिडेंट फील करना चाहती हूँ और इन चीजों में कॉन्फिडेंट फील नहीं करती हूँ. बट आई बॉट अ डेनिम स्कर्ट मिनी, वो भी फ्लेयर में नहीं है, वो भी देखो इस टाइप में है. ओह, मुझे उसका स्टाइल इतना पसंद आया. लुक एट दिस बेल्ट, लुक सो कूल. एंड इट्स अ, सो दिस स्कर्ट इज नॉट जस्ट अ मिनी स्कर्ट, दिस इज अ माइक्रो मिनी स्कर्ट, क्योंकि ये हद पार छोटी है, जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूट है. ये एक्चुअली स्कॉट है, इसके अंदर शॉर्ट्स भी है, एंड आई लव दिस काइंड ऑफ स्टफ. मुझे बहुत पसंद आया. बट जब मैंने इसको देखा था पहली बार में, मुझे लगा कि इसमें ना पक्का मेरा पेट दिखेगा. मुझे इसका स्टाइल पसंद आया, बट मेरे को लगा इसमें पक्का मेरा पेट दिखेगा, मैं नहीं खरीदने वाली हूँ. और मे बी मैं खरीद लूँ जब पतली हो जाऊंगी तब पहनूंगी. ऐसे बहुत सारे कपड़े मेरे पास, बट इट्स ओके. तो मैंने ये डिसाइड किया. बट जब मैंने इसे पहना तो मेरा स्टमक नहीं दिख रहा था. एंड लुक एट दिस फिटिंग, ओ गॉड, आई जस्ट लव इट. मुझे बहुत ही पसंद आया यार इसकी फिटिंग. इसमें ना मेरा स्टमक दिख रहा है, मैं कंफर्टेबल हूँ. मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया. मुझे नहीं लगा था कि कोई डेनिम स्कर्ट, वो भी ए लाइन वाली, मुझे इतनी सुंदर लगेगी, जिसमें मैं इतना कॉन्फिडेंस फील करूंगी. तो मुझे ये वाला भी काफी पसंद आया, दिस डेनिम स्कर्ट. लव इट, कांट वेट टू स्टाइल दिस नाउ. दिस इज द लास्ट प्रोडक्ट, बट ऐसा मेरे पास कुछ है, बट मैं आई रियली वांट टू शो दिस टॉप टू यू. इट्स अ टॉप, इट्स अ रेड टॉप, रेड कलर. माय फेवरेट इज रेड कलर. ओके, तो ये आप कलर देख के ही मुझे इससे प्यार हो गया था. मैंने कहा ये तो आई हैव टू बाय. दो में से बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थी, क्योंकि ये जो आप इसका सामने का देख रहे हो ना, ये बो टाइप जो है, ये ढंग से बन नहीं पा रहा है, और ये ऑलरेडी बहुत उठ रहा था, तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं इसे लूं कि नहीं लूं. फिर मैंने डिसाइड किया कि यार टेलर के पास जाके ना सिला सुला के कुछ भी करके इसका डिजाइन बना देंगे, पर इसको मिस नहीं कर सकते, क्योंकि इसका प्रिंट मुझे बहुत ही पसंद आया. देखो कितने सुंदर सुंदर छोटे छोटे फ्लावर्स बने हुए हैं, बहुत ही प्यारा है, और ऊपर से पीछे से स्ट्रेचेबल है. सबसे बड़ी बात, मुझे लग रहा था मुझे फिट भी नहीं आएगा, बट फिटिंग देखो कितना क्यूट है ना, इतना क्यूट टॉप है यार. मेरे लिए तो ये परफेक्ट डे टॉप है, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया, एंड जस्ट लव द कलर एंड लव द एवरीथिंग. बाय द वे मैं आपको ये बता दूं, मैं पहले ट्यूब टॉप नहीं पहनती थी. सर ट्यूब टॉप, मैं पहले ट्यूब टॉप नहीं पहनती थी. मैंने अब रिसेंटली ट्यूब टॉप पहनना चालू कर दिया, बिकॉज मैंने अपने शोल्डर से काफी फैट लूज कर लिया और मेरी थोड़ी कॉलर बोन भी दिखने लग गई है. तो या दैट्स द रीजन कि अब मैं कंफर्टेबल हूँ और काफी ज्यादा अच्छा फील करती हूँ. इसीलिए आपको फिट होना बहुत जरूरी है, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए. इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस. ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे बोन नहीं है तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है. मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था तब भी, बट मुझे ये वाला कॉन्फिडेंस चाहिए कि मैं कुछ भी पहन सकूं, वाला टाइप कॉन्फिडेंस. एंड आई एम स्टिल वर्किंग ऑन माई बॉडी. आई एम स्टिल, ऐसा नहीं कि मैं फिट हो गई या पतली हो गई. ये देखो मेरा पेट अभी भी निकला हुआ है. ये सबसे एंड में जाता है, इसीलिए तो मैं ट्राई कर रही हूँ अपना बेस्ट टू बेस्ट कि मैं इसको कम कर लूँ, और फिर मैं आपको दिखाऊं कि स्टाइल क्या होता है. बिकॉज अगर एक बार मेरा पेट अंदर चला गया ना, फिर मैं दुनिया वालों को बताऊंगी कि स्टाइल क्या होता है. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू लाइक इट. अगर आपको कुछ भी पसंद आया तो प्लीज कॉमेंट में बताना. और मैंने अपनी बाउंड्रीज से बाहर जाके ये सब चीजें ट्राई करी है, तो आपको पसंद आया हो, बिकॉज आप सब चाहते थे मुझे फुल कपड़ों में देखने के लिए. तो हियर वी गो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. आई लव यू ऑल. कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग मी. बाय बाय.